हेलो स्टूडेंट्स, वी आर रीडिंग आर फर्स्ट चैप्टर ऑफ SST ग्लोब द मॉडल ऑफ द अर्थ। इन लास्ट लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज ग्लोब एंड द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। टुडे वील डिस्कस अबाउट लॉन्गिट्यूड। द सेमी सर्कुलर लाइंस, सेमी सर्कल, आपको पता है ना बेटा, सेमी मीन्स होता है हाफ, मीन्स टू से कि जो फ्रंट पोर्शन हमें शो हो रहा है उसके लिए यूज़ किया गया है सेमी सर्कुलर लाइंस दैट आर ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये जो ऊपर वाला पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल, और जो नीचे वाला पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, साउथ पोल। तो जो कह रहे हैं कि जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ ये जो लाइंस आ रही हैं, इन लाइंस को लॉन्गिट्यूड या फिर मेरिडियन लाइंस जो है वो बोलते हैं। All these lines are of same length. इनकी जो length होती है बेटा वो same होती है. They are not parallel to each other. और ये एक दूसरे के parallel नहीं होती हैं. They are meet at the poles. और ये आपस में poles के पास आके मिल जाती हैं. जैसा कि बेटा हमने last class में latitude के बारे में पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि जो सारी लाइंस थी वो एक दूसरे के पैरेलल थी। तो पैरेलल का मीनिंग मैंने बताया था, पैरेलल वो लाइंस होती हैं जो आपस में कभी भी मिलती नहीं हैं, उनका जो डिस्टेंस है वो हर जगह सेम रहता है। मगर जो लॉन्गिट्यूड हैं वो लाइंस जो होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती हैं, और वो आपस में एक दूसरे को टच मीट करती हैं। कहाँ पे आके मिलती हैं, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे आपस में आके मिल जाती हैं। द मेरिडियंस आर ऑल्सो नंबर्ड इन डिग्री, जैसे लैटिट्यूड की जो लाइंस थी उनको नंबर किया गया डिग्री से, तो वैसे ही लॉन्गिट्यूड की जो लाइंस हैं उनको भी डिग्री के साथ शो किया गया है। डिग्री आपको पता है ना कि जैसे यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिख दे 2, तो 2 के ऊपर ऐसे हम ये डिग्री बना दी। तो सिंस द अर्थ इज राउंड, कह रहे कि क्योंकि जो अर्थ है वो राउंड है, वी कैन डिवाइड द अर्थ इनटू 360 डिग्रीज, तो इसलिए हम इसको 360 डिग्री में डिवाइड कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए, मैथ पढ़ते हैं तो क्या कि जो एक सर्कल है, तो ये सर्कल 360 डिग्री के इक्वल होता है। ये जो स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन ये 180 डिग्री के इक्वल होती है, और जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो हमारी अर्थ जो है वो भी राउंड है, तो इसलिए ये भी 360 डिग्री के इक्वल है। और इस पे हम 360 मेरिडियन जो ये लाइंस हैं ये ड्रॉ कर सकते हैं। इट हैज़ बीन अग्रीड टू यूज मेरिडियंस विच पास थ्रू ग्रीनविच इन इंग्लैंड एज द स्टार्टिंग पॉइंट और द जीरो मेरिडियन। अब कह रहे कि ये जो सेंटर से होके ये जो लाइन आ रही है इसको हम जीरो डिग्री मेरिडियन बोलते हैं, जीरो डिग्री मेरिडियन। तो इस लाइन को हम प्राइम मेरिडियन के नाम से भी जानते हैं, और ये ग्रीनविच है इंग्लैंड में, तो वहाँ से होके ये पास आउट होती है, गुजरती है, तो इसलिए इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी बोला जाता है। ये देखिए, इसको ग्रीनविच मेरिडियन, जो जीरो डिग्री मेरिडियन है इसको ग्रीनविच मेरिडियन या फिर प्राइम मेरिडियन भी बोला जाता है।
लॉन्गिट्यूड टू द ईस्ट ऑफ ग्रीनविच आर कॉल्ड ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब कह रहे कि अब आपको मैंने बताया यहाँ पे इस साइड होता है ईस्ट और इस साइड है वेस्ट, तो जो ईस्ट वाली साइड पे लाइंस आ रही हैं उनको बोलते हैं ईस्ट लॉन्गिट्यूड और जो वेस्ट वाली साइड पे लाइंस जाती हैं उनको बोलते हैं वेस्ट लॉन्गिट्यूड। तो इस टाइप से ये जो प्राइम मेरिडियन वाली लाइन है ये भी अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। देयर आर 180 मेरिडियंस टू द ईस्ट। तो इस टाइप से क्या पता चलता है कि जो 360 है, 360 का हाफ कर दें तो 180 जो मेरिडियन है वो ईस्ट में हैं और 180 मेरिडियन जो है वो वेस्ट में हैं, और जो ईस्ट वाली साइड है उनको ई से डिनोट करते हैं और जो वेस्ट वाली साइड है उनको डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। द 180 मेरिडियन इज लोकेटेड एग्जैक्टली अपोजिट टू द 0° मेरिडियन ऑन द ग्लोब। अब ये देखिए यहाँ पे ये है 0° मेरिडियन और इसका अपोजिट क्या हुआ, ये ऊपर वाला पोर्शन, तो इसको 180° मेरिडियन बोला जाता है। द हेमिस्फीयर टू द ईस्ट ऑफ 0° इज कॉल्ड द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब ये जो ईस्ट वाली साइड पे पड़ा तो हमने इसको क्या बोला, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और द हेमिस्फीयर टू द वेस्ट इज कॉल्ड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जो वेस्ट वाली साइड पे हुआ तो वो हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर। आपको बेटा याद हो तो हमने जो लॉन्गिट्यूड में किया था, तो लॉन्गिट्यूड में यहाँ पे सेंटर में लाइन आती है इक्वाटर की, तो जो इक्वाटर है, इक्वाटर जो है वो भी अर्थ को टू हाफ में डिवाइड करता है। ऊपर वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और नीचे वाले पोर्शन को साउथ हेमिस्फीयर। तो ऐसे ही ये जो प्राइम मेरिडियन है वो भी अर्थ को टू हाफ में डिवाइड करता है, तो उसको बोलते हैं ईस्ट हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मीन्स क्या होता है, हेमिस्फीयर का मतलब होता है कि हाफ पोर्शन। द 0° एंड द 180° मेरिडियन आर कॉमन इन बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर्स। अब कह रहे कि जो 0° मेरिडियन और 180° मेरिडियन है वो दोनों कॉमन हैं क्योंकि एक ही लाइन पे आते हैं ईस्ट और वेस्ट में। टुगेदर दे डिवाइड द अर्थ वर्टिकली इंटू टू इक्वल हाफ्स, और ये इकट्ठे क्या करते हैं, उनको टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं। दस देयर आर 360 मेरिडियंस इन ऑल। तो इसलिए यहाँ पे जो है 360 मेरिडियंस बन जाते हैं। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो लाइंस हैं उनमें डिफरेंस देखते हैं ताकि आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइंस का जो डिफरेंस है वो प्रॉपरली अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो बेटा यहाँ ऊपर वाले जो है सर्कल, इसमें हम लॉन्गिट्यूड के बारे में डिस्कस करेंगे और ये जो नीचे वाला सर्कल है उसमें हम लैटिट्यूड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप लॉन्गिट्यूड में देख रहे हो बेटा कि लॉन्गिट्यूड में जो लाइंस हैं लॉन्ग, जैसे कि आपको इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है, लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स आ गया लंबा है, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये जो लाइंस हैं तो लंबाई में मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगी, ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन है जैसा कि आप जानते हो और नीचे है साउथ डायरेक्शन, तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही हैं और ये अर्थ को टू हाफ्स में डिवाइड कर रही हैं। जो इसके इस साइड में है इसको हम बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और जो इसके इस साइड है लेफ्ट में उसको बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और ये जो लाइन ऊपर से नीचे ये लॉन्गिट्यूड वाली लाइन आ रही है ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन होती है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ आती है और इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन।
और जो लैटीट्यूड है, तो लैटीट्यूड में क्या होता है कि इसमें जो लाइंस हैं वो स्लीपिंग लाइन की तरह होती हैं, जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ आती हैं। अब ये भी लॉन्गिट्यूड लाइंस की तरह अर्थ को टू हाफ में डिवाइड कर देती हैं। ऊपर वाले पोर्शन को हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले पोर्शन को हम बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। और ये इसकी जो सेंटर लाइन है इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। लॉन्गिट्यूड वाली सेंटर लाइन को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन और जो लैटिट्यूड वाली सेंटर लाइन है इसको क्या बोला जाता है? इक्वाटर। जो लॉन्गिट्यूड की लाइंस हैं बेटा, वो आपने पढ़ा है जैसे कि वो जो हैं वो पैरेलल नहीं होती हैं, ठीक है। और जो लैटिट्यूड वाली लाइंस हैं वो पैरेलल होती हैं। पैरेलल का मतलब मैंने आपको बताया था ना, मतलब जो लाइंस आपस में कभी भी टच नहीं करती, आपस में मिलती नहीं हैं, उनको बोलते हैं पैरेलल लाइन। और जो लॉन्गिट्यूड की लाइंस हैं वो आपस में कहाँ मिलती हैं? नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे एक दूसरे को आके ऐसे टच करती हैं। तो ये जो हैं लाइंस ये पैरेलल नहीं हैं, और जो लैटिट्यूड वाली लाइंस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। मतलब इनका जो डिफरेंस है वो हर जगह सेम ही आएगा। और ये क्या होता है बेटा कि ये जो लाइन है ये इक्वल होती हैं, एक ही लेंथ की होती हैं लॉन्गिट्यूड वाली लाइंस। मगर जो लैटिट्यूड वाली लाइंस हैं उनका मैंने बताया था ना कि जैसे जैसे वो पोल्स की तरफ जाती हैं, चाहे वो साउथ पोल नीचे की तरफ जाएं या नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ जाएं, तो उनका जो लेंथ है वो विर्थ जो है उनकी डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है, और साउथ पोल पे आके वो सिर्फ एक पॉइंट रह जाता है। अब इसकी जो लाइंस बेटा ऊपर वाली साइड जाती हैं तो उनको हम एन से डिनोट करते हैं, और जो लैटिट्यूड वाली लाइंस हैं, और जो नीचे वाले पोर्शन में आती हैं उनको हम एस से डिनोट करते हैं, और जो इधर लॉन्गिट्यूड में हैं उसमें क्या किया जाता है? उसमें जो ईस्ट डायरेक्शन में हैं उनको ई से डिनोट करते हैं, और जो वेस्ट डायरेक्शन में हैं उसको डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। और जो लैटिट्यूड वाली लाइंस हैं वो सबसे जो लॉन्ग लाइन है वो होती है इक्वाटर की, जो अर्थ को टू हाफ में डिवाइड करती है। और उसके बाद जो आती है लाइंस वो 23.5 डिग्री नॉर्थ में, उसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो उसके ऊपर वाली लाइन आती है 66.5 डिग्री नॉर्थ वाली, उसको क्या बोलते हैं? आर्कटिक सर्कल। और जो यहां पे आ गई साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ऊपर वाली साइड आ गया नॉर्थ पोल। उसके बाद अगर हम नीचे वाली तरफ देखें तो यहां पे जो लाइन आई 23.5 डिग्री साउथ में, उसको क्या बोला जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके बाद जो लाइन आती है 66.5 डिग्री साउथ वाली, उसको बोलते हैं एंटार्कटिक सर्कल। और उसके बाद जो पॉइंट बच जाता है इसको क्या बोलते हैं? साउथ पोल। तो मुझे लगता है बेटा कि आपको अब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की जो लाइंस हैं उनका जो डिफरेंस है प्रॉपर क्लियर हो गया होगा। और आपको आज का आपका ये काम भी होगा कि आपको ये जो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड है इसको आपको अपनी नोटबुक पे प्रॉपरली ड्रॉ भी करना है। उसके बाद बेटा हमारा ये लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, लोकेटिंग प्लेसेस। लोकेटिंग प्लेसेस तो कहते कि द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ऑन द ग्लोब मैप्स एंड चार्ट्स टू हेल्प लोकेट द पोजिशन ऑफ डिफरेंट प्लेसेस ऑन द मैप्स। तो जैसा कि आपको बेटा मैंने पहले ही बताया था कि जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये जो लाइंस हैं ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं,
ये मीन्स टू से कि अर्थ के ऊपर ऐसे लाइंस लगी नहीं होती, इनको सिर्फ क्या है इमेजिन किया गया है, सोचा गया है कि ऐसे लाइंस होती हैं। वो लाइंस हमने अपनी हेल्प के लिए लगाई हैं, इमेजिन की हैं। कि मीन्स टू से कि अगर हमने किसी भी सिटी, किसी भी कंट्री की लोकेशन, मतलब कि वो अर्थ पे कहाँ पे है, अगर हमें उसके बारे में जानना है, तो उसके लिए हम इन इमेजिनरी लाइंस का यूज़ करके उस प्लेस को प्रॉपरली लोकेट कर सकते हैं, उसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो कहते हैं दीज लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्रॉस ईच अदर एट राइट एंगल एंड फॉर्म अ सॉर्ट ऑफ नेट कॉल्ड ग्रिड ऑन द ग्लोब और अ मैप। जैसा कि बेटा आपको नीचे ये जो पिक्चर है इसमें क्लियर कर रहे हैं कि ये जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाली लाइंस हैं, ये लाइन कौन सी है बेटा जो ऐसे जा रही हैं? ये लैटिट्यूड है और ये जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं वो लॉन्गिट्यूड है। तो इसमें बेटा बता देखो कि क्या है कि ये आपस में जहाँ पे एक दूसरे को ये कट कर रही हैं, ठीक है, ये पॉइंट बना और यहाँ पे क्या है राइट एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का जो एंगल है वो बन रहा है और ये इस पॉइंट पे एक दूसरे को मीट कर रही हैं। ऐसे यहाँ भी ये इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, यहाँ पे भी। तो इन्होंने आपस में क्या कर दिया, एक नेट सा बना दिया, तो जिसको हम क्या कहते हैं ग्रिड। तो कह रहे वी कैन फाइंड आर लोकेट प्लेसेस ऑन द मैप विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रिड। तो हम इस ग्रिड की हेल्प से ही किसी भी प्लेस के बारे में यहाँ से जानकारी हासिल कर सकते हैं। फॉर लोकेटिंग अ प्लेस करेक्टली, अगर हमें किसी भी प्लेस को, किसी भी जगह को करेक्टली मतलब सही रूप में देखना है, मतलब कि वो वाकई कहाँ पे है, तो उसके लिए इट इज़ नॉट एनफ टू नो ओनली द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस, कि हमें उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का पता हो, हमें क्या पता करना है, इनफैक्ट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द पॉइंट, हमें उस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वो कहाँ पे एक दूसरे को टच कर रही हैं उस पॉइंट का जानना ज़्यादा ज़रूरी है। क्रॉसिंग ऑफ बोथ द लाइन्स दैट इज़ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, कि ये जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाली जो लाइन्स हैं ये आपस में एक दूसरे को कहाँ मीट कर रही हैं, कहाँ टच कर रही हैं, उस पॉइंट को जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आपको बेटा एक एग्जाम्पल दे के समझाया गया है कि फॉर एग्जाम्पल द लैटिट्यूड ऑफ चेन्नई इज़ 13 डिग्री नॉर्थ। ये देखिए बेटा यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बताया था ना कि ये जो इक्वाटर है, ये देखिए ये इक्वाटर है ना, तो इक्वाटर क्या कर रही है अर्थ को 2 हाफ्स में डिवाइड कर रही है। ऊपर वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं नॉर्थ और नीचे वाले पोर्शन को क्या कहते हैं साउथ। तो ऐसे ही ये जो प्राइम मेरिडियन आ गया, ठीक है ना, तो प्राइम मेरिडियन जो है तो वो क्या करता है, वो भी अर्थ को 2 हाफ्स में डिवाइड करता है। इधर वाला आ गया ईस्ट और इधर वाला क्या आ गया वेस्ट। तो इसमें उन्होंने क्या कहा है 13 डिग्री नॉर्थ, तो नॉर्थ मतलब ऊपर वाला पोर्शन, तो 0 से हम ऊपर की तरफ जाते हैं, यहाँ 15 डिग्री है, तो यहाँ इसके थोड़ा सा नीचे ये जो लाइन गई ये 13 डिग्री नॉर्थ में हो गई ऑफ द इक्वाटर। ये देखिए इक्वाटर है ना, ये इक्वाटर के 13 डिग्री नॉर्थ में चली गई एंड द लॉन्गिट्यूड इज 80 डिग्री ईस्ट। अब जो लॉन्गिट्यूड वाली जो है लाइन, यहाँ देखिए 90 डिग्री है, यहाँ 60 है, तो इसके यहाँ पे आएगा 70 और यहाँ आ गया 80, क्योंकि इसको 2 पोर्शन में बीच में डिवाइड कर दिया। तो उन्होंने बोला 80 डिग्री ईस्ट, ईस्ट किसके प्राइम मेरिडियन के, तो ये प्राइम मेरिडियन है, तो प्राइम मेरिडियन का ईस्ट किधर है हमारी राइट में इस साइड, तो यहाँ पे इसका 80 डिग्री। तो जब ये दोनों लाइंस आपस में जहाँ टच हुई तो ये वाला जो पॉइंट है तो चेन्नई यहाँ पे है, ओके। तो इस टाइप से हम
ये जो ग्रिड है इसको यूज़ करके किसी भी प्लेस की लोकेशन जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस क्रॉस ईच अदर वी विल बी द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ चेन्नई ऑन द मैप ऑफ ग्लोब. तो बेटा ये आपको चैप्टर, इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है. तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा. तो इसी के साथ बेटा मैं आपको आपकी एक्सरसाइज में से ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी ये करने को दे रही हूँ. आपको इसको घर पे ट्राई करना है. और ये जो फोर्थ वाला पार्ट है ये तो मैंने आपको बताया ही था. ये जो लाइंस है सारी ये लैटिट्यूड की लाइंस हैं. आपको सर्कल ड्रॉ करके अपनी नोटबुक पे और इन लाइंस को उस पर ड्रॉ करना है. ओके बेटा, बाय.